नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एवी की हड्डी जिसको कैल्केनियम बोलते हैं अगर उसका फ्रैक्चर हो गया तो क्या है इसका इलाज और क्या क्या सावधानियां रखना पड़ता है, क्या इसमें ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। बहुत ही कॉमन है कि एड़ी की हड्डी का टूट जाना, जो सबसे लास्ट में पैर के नीचे जिसको कैल्केनियम बोलते हैं, हड्डी का टूटना, कहीं से भी आप जंप कर दिए, कूद गए, छत से ही कूद गए, चाहे उससे एड़ी में की हड्डी जो लास्ट में जिसकी हड्डी रहती है, एड़ी की दिखाइए कहाँ की, एड़ी की हड्डी ये लास्ट में यहाँ की हड्डी टूट जाती है और ये टूट जाना बहुत ही कॉमन है। इलाज तो इसमें ऑपरेशन भी होता है लेकिन अधिकतर समय ये प्लास्टर से ठीक हो जाता है। ऐसे ऑपरेशन भी करते हैं लोग, उसको खोल के उसको अगर थोड़ा सा अलग है तो बैठा के उसमें प्लेट भी लगाते हैं, कितना बार तो क्लोज टेक्निक से की वार से भी फिक्स करते हैं उसको, बैठाते हैं लोग। लेकिन ऐसा देखा गया है कि या तो ऑपरेशन करें चाहे प्लास्टर लगाएं, अधिकतर समय में रिजल्ट एक ही जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर, भले देखने में थोड़ा सा हड्डी हो सकता है कि अच्छा लगे लेकिन वो रिजल्ट लगभग एक ही जैसा रहता है। प्लास्टर हम लोग डेढ़ महीने तक लगाते हैं और अधिकतर समय हड्डी जुड़ जाता है, लेकिन कितना भी अच्छा हड्डी जुड़े प्लास्टर से चाहे कोई भी तरीका से, भगवान जैसा तो हड्डी कभी भी नहीं होता। हड्डी कभी भी जुड़ता है तो गांठ बना लेता है, और चूंकि ऐसा जगह हड्डी टूटा है, ऐसा जगह गांठ बनाया है, चूंकि उसी पे खड़ा होना है, उसी पे पूरा शरीर का वजन है, तो कुछ दिन तक थोड़ा दिक्कत रहता है। आप चलेंगे फिरेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा दिक्कत, एक नॉर्मल पैर है, एक दूसरा पैर है जिसपे आप चल रहे हैं जिसमें हड्डी टूटा हुआ था, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, थोड़ा कष्ट जैसा लगेगा, दर्द लगेगा, पीला लगेगा और बार बार ऐसा सूजन भी हो जाता है, लंबा समय तक सूजन भी रहेगा, चले फिरेंगे तो सूजन हुआ, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहती है। आपको ध्यान यही देना है कि नरम चप्पल, ऑपरेशन हो गया चाहे प्लास्टर भी लगा है उसके बाद से खुला, तो लंबा समय तक अच्छा क्वालिटी का फुटवेयर यूज करना है। ऐसा फुटवेयर जिसकी एड़ी मुलायम हो, एक डॉक्टर स्लीपर जैसा आता है तो उसको यूज कर सकते हैं, चाहे अच्छा क्वालिटी का शूज भी यूज कर सकते हैं, जूता यूज कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, तो उसमें सिलिकॉन का सोल भी कुछ दिन तक यूज कर सकते हैं। सूजन भी होता है प्लास्टर निकालने के बाद से चाहे ऑपरेशन के बाद से, लंबा समय तक सूजन रहता है, दिन भर चलेंगे शाम को ज्यादा सूजन लगता है, सवेरे उठते सूजन कम हो जाता है, ऐसा कुछ दिन तक चलता है। और वो सूजन दवा से नहीं ठीक होता, वो धीरे धीरे इस समय से ठीक होता है। सूजन ठीक करना है तो सिंपल उपाय है कि आप पैर ऊंचा रखें, जब चलते फिरते नहीं है, जब काम में नहीं है, बैठे हैं तो स्टूल पे पैर रखें, रात को सोने के बाद पैर के नीचे तकिया रखें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यही इसका इलाज है, यही इसका ध्यान है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। थिंक हेल्दी बी हेल्दी।